के कार्यक्रम में हम सबों के नेता कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का बिहार के धरती पर हम लोग स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं कि बिहार के किसानों के बीच बैठ करके इन्होंने वार्ता की, जानकारी प्राप्त की और अपने सुझाव को भी आप लोगों के समक्ष रखने का काम किया। आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि मेरा मानना है कि जो अन्नदाता है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, दिन भर खेत में लग करके मेहनत करके खून पसीने से हम सबके थाली में 3-4 वक्त का अगर आता है तो वो अन्नदाता के वजह से आता है। तो अगर देश में किसी का भी सबसे ज्यादा औधा अगर होना चाहिए तो वो किसान भाइयों का औधा होना चाहिए, हमारे अन्नदाताओं का होना चाहिए, जो हमारा पेट भरने का काम करता है। लेकिन आजकल जो जमाना है, जो आप लोगों को बतलाया जाता है, राहुल गांधी जी ने सच आप लोगों के समक्ष रखा कि मुद्दे की बात नहीं होती है, मोदी जी की बात होती है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए और यही बात अगर हम लोग पूछे, भाई मोदी जी तो कहते थे कि 2022 में आए तो दुगना कर देंगे किसानों का, हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बात सामने आ ही गई है कि आए दुगना तो छोड़िए, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। ये सच्चाई है, ये बिहार की तो सच्चाई है ही, लेकिन देश की भी सच्चाई। आज पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। देखिए, कई तरह की बातें वो करते रहते हैं, हमको उस पर जाना नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा समर्थन है और इस आंदोलन में हम आपके भागीदार हैं कि एमएसपी जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। और आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोगों की कोशिश लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में बाजार समिति था, मंडी था, वो नीतीश कुमार जी के आने के बाद उन्होंने खत्म कर दिया और हम लोगों ने कृषि मंत्री भी सुधाकर सिंह जी को बनाने का काम किया था और लगातार यही बात थी कि भाई कम से कम बाजार समिति मार्केट जो है वो बन जाए। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हैं, वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था और एक हम लोग चाहते थे बड़े लक्ष्य को लेकर के। नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है, चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं तो इस बार किसी भी कीमत पे, चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे
लोग ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए है ना, चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है। एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। अब तो तीसरा फेज भी आ गया, और यही नहीं मुख्यमंत्री जी तो वही स्वास्थ्य विभाग का मेरा फाइल दबा के रखे जाए, 1,30,000 लोगों को बहाली जो है निकालना था, लेकिन कई कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए, बोले आप कर देंगे आप कर देंगे आप कर देंगे। तो चलो ज्यादा किसी का बुराई नहीं करना है, बुराई करने से कोई फायदा नहीं है, मेहनत करेंगे लड़ाई लड़ेंगे। और राहुल जी आज आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और ये घूम करके देश भर में देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। ये नफरत की राजनीति जो लोग करते हैं, जो झूठ का प्रचार करते हैं, हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं, मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इसलिए आप सब लोग जागरूक समाज है, हम लोग चाहते हैं कि समाज का अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति का विकास हो, और हम लोग चाहते हैं सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय मिले। इसकी लड़ाई हम लोगों को आगे लड़ने का काम करना है, गरीबी मिटाने का काम करना है। जाति आधारित गन्ना हम लोगों ने कराया, लेकिन मोदी जी ने तो मना कर दिया था, हम लोग खुद गए थे मिले थे, बात को रखा था, लेकिन अभी हम लोगों का यही योजना था कि जाति आधारित गन्ना तो हो गया, कौन समाज का कितना लोग है, लेकिन उसमें ये भी हम लोगों ने निकलवाया कि कौन कितना गरीब है, कौन परिवार जो है भूमिहीन है, कौन परिवार भीख मांग करके गुजारा करता है, किसके पास घर नहीं है, किसके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए भी हम लोग आर्थिक मदद का योजना बना रहे थे। जो बेरोजगार होंगे उनको 2 लाख का सहायता हम लोग करने जा रहे थे, जो भूमिहीन थे उनको 1 लाख का मदद कर रहे थे ताकि वो जमीन ले ले, और जिसको घर बनाने का पैसा नहीं उसको 1,20,000 का मदद हम लोग करने जा रहे थे। ये योजना हम लोगों ने बनाया था ताकि किसी भी प्रकार से गरीबी जो है वो कम हो, और इसका कुल जो बजट था लगभग 2,50,000 करोड़ का जो बजट था, हम लोग मांगते रहे विशेष सहायता मिल जाए, भारत सरकार से डबल इंजन की सरकार है। चलो अब तो उम्मीद करते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मोदी जी दे दे या स्पेशल पैकेज दे दे। तो उसमें आप सब लोग यहाँ किसान के लोग आए हैं, यहाँ सभी किसानों ने अपनी बात को यहाँ रखा, हम इनको भी सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, और राहुल जी को भी विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। और हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, राहुल गांधी जी आए थे अभी किशनगंज कटिहार होते हुए गए, उस दिन एक दिन हमारे पिताजी को बुला लिया गया ईडी ऑफिस, उसके अगले दिन हमको बुला लिया गया। तो ये तो हम लोग तो बचपने से ना देख रहे, कोई डरने वाली बात नहीं है, है ना। इनके गीदर भक्ति से लालू जी और लालू जी का बेटा घबराने वाला है, तो आप तो मजबूत रहिए, आपके अधिकार के लिए, आपके हक के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए जो खून पसीना बहाने की जरूरत होगी वो हम लोग मिलकर के बहाने का काम करेंगे, ताकि आप लोग आगे बढ़े, आपका तरक्की हो। तो निश्चित शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यही विराम देते हैं। बहुत